आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन इन एचएससी बोर्ड फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी एचएससी बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला चैप्टर जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से जो रिपीटिंग क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज फ्रॉम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस वाले कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड टॉय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन आपको फरवरी 2015, मार्च 2022 एंड मार्च 2009 तीन बार पूछा है। इस सवाल को कॉन्सेप्ट जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जस्ट यही। तो इसको एक्सप्लेन और ड्रॉ करने के लिए तीन मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो अभी आगे चलोगे तो क्वेश्चन नंबर टू में देखो एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द क्वेश्चन वॉज नॉट आस्क लाइक दिस, ऐसा नहीं पूछा था, बट मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है कि प्रिंसिपल वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग था। तो क्वेश्चन ऑफ आज ने 2010 मार्च, 2008 मार्च एंड 2011 मार्च। देखो बहुत पहले का सवाल है, प्रोबेबल है ये भी बहुत पहले का ही था, आया था तो ये भी आ सकता है। सो डू प्रॉपर स्टडी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। करंट सेंसिटिविटी के बारे में मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है याद करो, वो वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर डिराइव करके बताना था। ऐसा क्वेश्चन और एक बार आया था अक्टूबर 14 के अंदर, वहां डिफ्लेक्टिंग एंगल प्रूफ करना था हमको, ऐसा बोला हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, रिपीट होने के चांसेस है, आ सकता है क्वेश्चन। एंड कन्वर्जन ऑफ एमसीजी एमीटर के अंदर वोल्टमीटर के अंदर कैसे करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इनकी भी प्रिपरेशन करो, पहले भी सवाल आ चुका है, इस साल भी आ सकता है। तो अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी इन सब की बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से, तो यहाँ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम एक्सप्रेशन ये सारी चीजें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कर लो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड कन्वर्जन। सो ये सारा सिर्फ कंक्लूजन है कि ये सारे क्वेश्चन में से आपको करना क्या था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका डायग्राम तो बहुत प्रिपेयर करके ही जाओ, दैट इज रिपीटिंग और आ भी सकता है इस साल भी। सो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर से देखोगे ना तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है, अक्टूबर 21, अक्टूबर 15, मार्च 12, मार्च 13, अक्टूबर 10, अक्टूबर 9, अक्टूबर 11 एंड मार्च 8। देखो क्वेश्चन थोड़ा तो इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसकी प्रिपरेशन बस करके जाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के डायग्राम क्या होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेना, तो ये क्वेश्चन जो है ये इस साल भी आ सकते हैं, थोड़ा प्रिपेयर करो। और एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आ सकता है क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है, फोटो सेल एंड फोटो डायोड की डायग्राम और उसके यूजेस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर इसकी भी प्रिपरेशन इस चैप्टर की कर लो, आपको अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाएंगे। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज एटॉम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लाय। अब एटॉम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लाय में अगर बात करूँ ना तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो बोहर का पॉस्टुलेट और बोहर की वजह से भी रेडिएशंस बने आगे चलते, एनर्जी का, रेडियस का, ये सारा ही पूछा जा रहा है सवाल बार बार। क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आओ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अभी 2022 में पूछा था, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ यंग ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मतलब हमें एक्सप्रेशन बताना था रेडियस का हाइड्रोजन एटम के अंदर। ऐसा ही सेम सवाल मार्च 11 में भी पूछा गया था, उसको पूछने का तरीका मतलब लिखना तो वही है पर लेकिन पूछने का तरीका हमने बदल दिया था। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स क्वांटम नंबर। ये आपको याद आ रहा होगा, ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये एन जो है वो क्वांटम नंबर है। ये डेरिवेशन हमको प्रूफ करना था, मतलब बात यही थी कि यही चीज को प्रूफ करना था। ठीक है, आगे देखो बोहर पोस्टुलेट पूछा हुआ है मार्च 2022 में, अगेन फिर टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मार्च 2020 में पूछा हुआ है, एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी वो भी बोहर का ही था, वो मार्च 2019 में पूछा है। मतलब रिसेंट ईयर्स ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर और फिर चांसेस है कि इनके ऊपर सवाल आ सकता है। सो इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरह से करके रखो। ठीक है, सो अगला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स से बात करेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे, बट
एक क्वेश्चन जो कि गारंटीड है, हो सकता है इस साल आ जा सकता है, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा का वो डेरिवेशन हम करते थे, v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो वही एक्सप्रेशन आपको पूछा हुआ है, क्वेश्चन को पूछने के हर साल के तरीके अलग अलग थे, बट पूछा एक ही सवाल गया था। तो ये सवाल 16 के अंदर, 14 के अंदर, 12 के अंदर, 8 के अंदर, 9 के अंदर, मतलब 5-6 बार पूछा जा चुका है और अब बहुत टाइम भी हो गया इस सवाल को आए हुए, तो चांसेस है आ सकता है क्वेश्चन। सो आई होप ये सात चीजें जो मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। ये चार चैप्टर जो बताए हैं इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है इसके ऊपर, फिर इन चीजों को बनाया गया है, तो सही से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।